नमस्कार दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मैच में भारत पर छाया हार का संकट। पहले ही दिन देर हुई टीम इंडिया, तो क्या है पूरी खबर की जानकारी बताएंगे इस वीडियो में। तो इससे पहले वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, लेकिन भारत का फैसला भारत पर ही उल्टा गिरा। भारत की टीम से ओपनिंग करने रोहित शर्मा और केएल राहुल आए। पहले ही ओवर में एंडरसन ने राहुल को 0 रनों पर पवेलियन भेज दिया और उसके बाद एंडरसन ने चेतेश्वर पुजारा को भी 1 रन के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया और क्रीज पर अब कप्तान विराट कोहली आए। लेकिन विराट कोहली भी एंडरसन के आगे एक बार फिर से नाकाम रहे और विराट कोहली भी 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन दूसरे छोर से रोहित शर्मा ने टीम इंडिया को थोड़ी देर तक संभाला, लेकिन दूसरी तरफ से विकेट गिरते जा रहे थे। अजिंक्य रहाणे भी 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। अब उसके बाद ऋषभ पंत आते ही आउट हो गए और धीरे धीरे भारत के सभी विकेट गिरते चले गए। भारतीय टीम 78 रनों पर पूरी ऑल आउट हो गई। भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा 19 रन रोहित शर्मा ने बनाए और वहीं इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट जेम्स एंडरसन और ओवरटन ने 3-3 विकेट लिए। इंग्लैंड की ओपनिंग जोड़ी ने टी सेशन तक 21 रन जोड़ लिए हैं।